वहीं देश की आजादी के बाद सरकार ने देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का एक गांव आज भी ऐसा है जहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। दरअसल ये मामला बुरहानपुर के बसाली में एक ऐसा गाँव का है जहाँ आज भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। वहीं बच्चे दिन में तो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रात्रि के समय पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बिजली की इस गंभीर समस्या को लेकर बसाली गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत भी की है। वहीं जब इस संबंध में अपर कलेक्टर शंकर लाल सिंघाड़े चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि जिले के आदिवासी फालिया में संबंधित विभाग से चर्चा कर बिजली पहुंचाई जाएगी। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हाँ, मजरे टोले में जो मतलब क्या उनके हिसाब से बोलते फालिया है ना, उसमें लाइट नहीं है, ये उन्होंने मांग की है। तो संबंधित विभाग की तरफ से जो है प्रस्ताव गए हुए हैं, ऐसे जानकारी मिला है, उस पर कार्रवाई। के बारे में आइए भैया, कहाँ रहते हैं? खतला पंचायत बसाली, हम हमारा बसाली है। क्या मांग है आपकी? हम लेट के बारे में आइए, हमको लेट है ना, हमारा बच्चा मतलब तैसा पढ़ने जाए। लाइट मतलब बिजली? हाँ, बिजली बिजली ले। कितने सालों से नहीं है वहाँ? है हम 50 साल के, आज़ादी से पहले से लाइट नहीं है। हाँ, वहाँ से लेट नहीं है, आधा गाँव में, आधा गाँव में लेट नहीं है अभी भी। बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? वो क्या पढ़ाई करे सर, वो अंधेरा में पढ़ाई का ही करे। रात में रात्रि के दौरान जीवन यापन कैसे करते हैं? दीवान विवान वो जलाई ले लिए मतलब वो कहीं पंचायत में है, हमारा गांव बोशाली है, वहां पे आधा गांव में लाइट हुई है और आधा गांव बाकी है। वहां पे हम कितनी भी ये लेटर भेज सके लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, आधा गांव हमारा बाकी है, वहां पे हमारी लैंड की सुविधा नहीं है। कब से नहीं है लाइट? बहुत दिन से सर, पहले से नहीं है। लगता रहते लगता नहीं है? नहीं, कितना सालों बहुत दिन से।